हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा नाश्ता जो आप छोटी मोटी भूख के लिए सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी 1 चम्मच तेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया और इसमें हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। ब्रेड को हमने किनारे काट दिए थे, इस तरह से हमने कट कर लिया है पहले ही, और इसको हम टोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमने अभी स्लो रखी है और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए, ये एक तरफ से थोड़ा थोड़ा सिक गया है, इसी तरह से ये पलटते हुए हम इसे सेक लेंगे। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच ऑयल लिया, इसमें हमने राई दाना डाल दिया और ये करी पत्ता है, इसे हमने हाथ से तोड़ लिया है और इसे अच्छे से भून लेंगे हम, जब राई चटक जाएगी। अब यहाँ पे हमने 1 प्याज को बारीक कट कर लिया है, तो इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज हमारा हो गया। यहाँ पे 1 हमने टमाटर डाल दिया है, टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया था, तो इसे भी भून लेंगे। यहाँ पे नमक डाल दिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने पाव भाजी मसाला लिया है और 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है और ये लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ पे 1/4 टीस्पून हमने चीनी ली है। चीनी टमाटर के खट्टेपन को बैलेंस करेगा, मीठा नहीं होगा। इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। यहाँ पे हमने डाला है चाट मसाला, इसको भी मिक्स कर लिया। यहाँ पे हरी धनिया डाली और ये जो हमने ब्रेड के पीस टोस्ट करके रखे थे इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाएंगे तो ये 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। ये छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले इस पे पूरे कोट हो जाए। ये चटपटा नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हम यहाँ पे सर्व कर ले रहे हैं। ये रेसिपी आप भी ट्राई करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे लास्ट हमने अनारदाना भी डाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।